हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डिजिटल ग्राफिक्स। और इस चैनल पर हम फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, 3ds Max से रिलेटेड ट्यूटोरियल डालते रहते हैं। सो जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम लोग अपना फ़ोटोशॉप खोलेंगे एंड देन उसमें एक न्यू फाइल खोल लेंगे। एंड देन हम लोग एक जो भी हमें इमेज यूज़ करनी है उसको इस पर प्लेस कर लेंगे। एंड इमेज को प्लेस करके एडजस्ट करने के बाद हम लोग उसकी एक कॉपी बना लेंगे कंट्रोल जे से। एंड देन फिर क्विक सिलेक्शन टूल से हम लोग अपने इमेज की जो है सिलेक्शन बना लेंगे। जब हमारी सिलेक्शन पूरी तरीके से सही ढंग से बन जाए, आप अपनी सिलेक्शन किसी भी टूल से बना सकते हैं, चाहे तो आप पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं, मैंने क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ किया है। सिंपली हम लोगों को अपनी इमेज को जो है रिफाइन एजेस देने के बाद, जिससे कि एजेस थोड़े से स्मूथ आ जाएं, हम लोग अपनी इमेज को एक न्यू लेयर पे जो है पेस्ट कर लेंगे कंट्रोल जे के थ्रू। देन हम लोगों ने दो लेयरें अपनी पेस्ट कर ली हैं, एक जिस पे हम लोग लिक्विफाई टूल को यूज़ करने वाले हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। देन हम लोग इस पर मास्क क्रिएट करेंगे ऑल्ट के साथ। दूसरी वाली इमेज पे हम लोग सिंपल अपना मास्क क्रिएट करेंगे ऑल्ट के साथ। हमारा मास्क जो है इनवर्स क्रिएट होता है, जो कि ब्लैक कलर का है। फिर हम लोग मास्किंग वाली लेयर पे अपने जो चीज़ें हमको रैप करनी है उनको ब्लैक कलर से पेंट करेंगे। एंड जो चीज़ें हम लोगों को दिखानी है उनको हम लोग वाइट कलर से पेंट करेंगे। मास्किंग इन दो कलरों पे वर्क करता है, ब्लैक एंड वाइट पे। सो अभी हम लोग अपनी फर्स्ट लेयर पे काम कर रहे हैं। फिर हम लोग थोड़ी चीज़ों को जो है क्रंज टाइप वाले ब्रश से जो है हटा देंगे। देन इसके बाद हम लोग अपनी अपर लेयर पे क्रिएट करेंगे, जिस पे हमने लिक्विफाई मास्क को यूज़ किया है। तो इस लेयर पे जहाँ हमें दिखाना है हम लोग वाइट कलर से पेंट करेंगे।
ये करने के बाद हम लोग जो हमारे फेस पे एक्स्ट्रा जो दाने आए हैं उनको हटाने के लिए हम लोग दूसरा ब्रश यूज़ करेंगे। एक सिंपल ब्रश ले लेंगे जिसका अल्फा जो है सॉफ्ट हो, एंड अब हम लोग अपनी स्किन को जो है क्लियर कर लेंगे अंदर से, जहाँ पे हम लोगों को यह सब जो है नहीं चाहिए साइड साइड में चाहिए, क्योंकि हमें ये तो मास्किंग का यही हमको बेनिफिट रहता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को जो है वापस हम लोगों को अंडू वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। इस लेयर पे से जहाँ से हमको जो जो इफेक्ट हटाना है उससे हम ब्लैक पेंट करेंगे तो वह वहाँ से हट जाएगा। आप लोगों को मास्किंग का यूज़ पता ही होगा। तो ये हमारा यहाँ पे इफेक्ट जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं आया, तो हम लोग इसको वापस क्रिएट कर लेंगे। ये यहाँ पे अच्छा नहीं आया, ये ब्रश इस तरह से खिंच गया है पेंट, तो इसको हम लोग वापस रिक्रिएट कर लेंगे। इसको हटाने के बाद वापस अपना क्रंच ब्रश यूज़ कर लेंगे हम लोग। मेनली आप लोगों को इस इफेक्ट का जो है बेसिक प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा। सो उसके बाद हम लोग अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को बैकग्राउंड चाहिए। मैं एक सिंपल सा ग्रेडियंट इस पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग अपने लेयर को ऑन ऑफ करके चेक कर लेंगे कि इस लेयर पे क्या ऑब्जेक्ट है, और जहाँ पे भी हम लोगों को इफेक्ट अच्छा ना लगे, जैसे यहाँ पे हमें अच्छा नहीं लगा ये ब्लैक आ रहा था, तो हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। मास्किंग के यूज से यहाँ हाथ के पास भी हम लोगों का इफेक्ट जो है अच्छा नहीं आया था, तो मैंने इसको वापस से रिक्रिएट करने जा रहा हूँ क्रंच ब्रश से। अगर इस इफेक्ट में जहाँ भी हम लोगों की जो गलतियाँ हों उसको हम लोग वापस क्रिएट कर लेंगे। हो सकता है एक बार में अच्छा इफेक्ट ना आए, तो हम लोग उसको वापस से रिक्रिएट कर लेंगे मास्किंग के थ्रू। वापस से रिक्रिएट करने के बाद जहाँ भी हम लोगों को ये नहीं चाहिए वहाँ हम लोग इसको हटा देंगे, और हम लोगों ने अपना ग्रेडियंट जो है अप्लाई कर दिया है बैकग्राउंड बनाने के लिए। सो उसके बाद आप लोग इसके ऊपर जो भी फिल्टर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, जो भी इफेक्ट आप लोगों को यूज़ करना हो। तो मैंने ये करने के बाद इसके बाद मैं अपना ये फाइनल आउटपुट मैंने किया था फिल्टर लगाने के बाद एक ऊपर से ग्रेडियंट का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।